नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएन हरियाणा। इस समय हम जुलाना के गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचे हैं। यहां पर छात्राओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र और छात्राएं यहां पर इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, यहां पर सभी जो कॉलेज का मेन गेट है इस पर इकट्ठे हुए हैं। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, आज किस चीज़ को लेकर आप इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे? भैया, ऑफलाइन पेपर होने की वजह से हम यहाँ खड़े हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास लगी तो ऑनलाइन एग्जाम भी होनी चाहिए। तो इसलिए छात्र रोज बता रहे हैं कि और यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कर रही है तो इसको क्या फर्क पड़ता है, सभी को एक समान है। तो ऑनलाइन ही एग्जाम होनी चाहिए, ऑनलाइन एग्जाम होनी चाहिए। तो इसके मांग को लेकर आप किसको क्या सौंपने जा रहे हो? प्रधानाचार्य को, ओबीसी को, कॉलेज को, बीसी को सौंपना चाह रहे हैं। तो कुछ लड़कियां ही मौजूद है हमारे साथ यहाँ पर। गुड़िया, आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बहुत सारी संख्या में कॉलेज के छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं, तो आप किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? सर जी, जैसे हमारी क्लास है ना, सारी की सारी ऑनलाइन हुई थी, तो हमारी इच्छा है कि हमारे पेपर भी ऑनलाइन ही हो। तो कई बार जैसे कि नेट भी बंद हो गया था, उस टाइम पे क्लासेज भी नहीं लग पाई थी, ऑनलाइन भी नहीं, और ऑफलाइन तो होती ही नहीं है, तो इस सिलेबस भी नहीं कम्प्लीट हुआ अच्छे से, तो हमें सिलेबस कवर नहीं हो रहा है। और हमें कोरोना की डोज भी नहीं मिल पाई है। जैसे ऑफलाइन में क्या प्रॉब्लम है आपको, ऑफलाइन परीक्षा देने में? ऑफलाइन परीक्षा में ये प्रॉब्लम है सर जी, जैसे कि हमारा है ना सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाया है, और जैसे ऑनलाइन होगा तो हमें क्लासेज ऑनलाइन अटेंड की थी, तो हमारी इच्छा है कि हम एग्जाम भी ऑनलाइन ही देंगे। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी छात्राएं और भी हैं जो यहाँ पर एग्जाम को लेकर जो ऑनलाइन परीक्षाएं लेने की डिमांड कर रहे हैं ऑफलाइन के बजाय। कुछ लड़कियाँ और मौजूद है यहाँ से। तो बेटा, जो आज प्रदर्शन किया जा रहा है, आपके द्वारा क्या कारण है इस प्रदर्शन का? ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी में भी, दोनों में साथ देंगे। दोनों में देंगे। देखिए, कुछ छात्र इकट्ठे हुए हैं और प्राचार्य महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं। इनकी एक ही मांग है कि हमारी जो परीक्षा है वो ऑनलाइन होनी चाहिए, ऑफलाइन नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर ज्ञापन सौंपा जा रहा है प्राचार्य महोदय, जुलाना गवर्नमेंट कॉलेज। ये देखिए भाई, साइन भी किए गए हैं बच्चों के द्वारा, और ये ज्ञापन सौंपा गया है कुलपति महोदय को लेकर, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन ऑफलाइन ब्लाइंड मोड परीक्षा के बारे में ये ज्ञापन दिया जा रहा है इस समय। तो हम बात करेंगे प्राचार्य महोदय से, जो बच्चों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, इन पर क्या कहना है इसका? जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपके कॉलेज के बच्चे यहाँ आज प्रदर्शन कर रहे हैं, सुबह से लगभग एक घंटा हो गया है, और ये कह रहे हैं कि हमारी ऑनलाइन परीक्षा होनी चाहिए, और जबकि ऑफलाइन परीक्षा होगी तो सिलेबस तो वही रहेगा, और बच्चे बोल रहे हैं कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, इसका आप क्या कहना है इस पर? जहाँ तक सिलेबस का सवाल है और क्लासेस का सवाल है, हमने MHA और SOP के अनुसार कंप्लीट क्लासेस लगवाई हैं जी। हमारा कॉलेज पूरा वाईफाई है जी। हमारा कॉलेज में राउटर लगवाए हुए हैं, और हमारे सभी टीचरों ने ऑफलाइन एंड ऑनलाइन SOP और MHA की गाइडलाइंस के अनुसार क्लासेस ली हैं, और सारा सिलेबस भी पूरा करवाया है। सर, फिर जो ये बच्चों द्वारा ज्ञापन सौंपा जा रहा है, ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या सहमत हैं, इनके साथ हैं? बच्चे अगर कोई डिमांड करते हैं तो ये उनकी अपनी डिमांड है जी, और उनका अपना हक है। प्रजातंत्र में किसी को भी अपनी डिमांड रखने का और अपनी बात कहने का हक है, इनको भी पूरा हक है अपनी बात कहने का। इन्होंने जो ज्ञापन सौंपा है, जहाँ तक सवाल है क्लासेज का और सिलेबस का, हमारी क्लासेज कंप्लीट लगी हैं और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट है, और हमारा पूरा कैंपस वाईफाई है जी। बच्चे अपनी बात रख सकते हैं, बच्चों ने जो अपनी बात रखी है, इनकी बात मैं वाइस चांसलर तक पहुँचा दूंगा। तो आप क्या इससे सहमत हैं? आपका नज़रिया क्या कहता है इसको लेकर? मेरा नज़रिया ये कहता है कि क्लासेज हमारी पूरी लगी है, सिलेबस हमारा पूरा, हम तो ये कह सकते हैं, सिर्फ ये बात कह सकते हैं। बाकी अपनी बात रखना वो बच्चों का अपना हक है, सभी अपना हक रखते हैं। देखिए, बड़ी समझदारी से हमारे प्राचार्य महोदय ने यहाँ पर बताया कि बच्चों का अपना अधिकार है मांग रखने का। कुछ छात्राएं मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे इस विषय में लेकर। तो गुड़िया, जो आज ये प्रदर्शन कर रहे हो आप, प्राचार्य महोदय ने आश्वासन दिया कि आपकी मांग को विशेष चांसलर के महोदय पास पहुंचा जाएगा, इस पर आपका क्या कहना है? हमारे अगर हमने ऑनलाइन क्लास लगाई है तो हमारे एग्जाम भी ऑनलाइन ही होने चाहिए। तो आप ऑनलाइन क्लासेज हो रही है तो ऑनलाइन एग्जाम चाहिए? हाँ जी। सभी बच्चे कोई नहीं रहेगा, सारे मेरे बेटे क्लासेज बच लो। ये वो मांग पत्र है जो छात्रों के द्वारा प्राचार्य महोदय को सौंपा गया है आज गवर्नमेंट कॉलेज के प्रांगण में।